वहीं खबर बरेली से है, जहां पर फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में दबंगों और थाना पुलिस की मिली भगत के चलते प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह और दरोगा दिलीप सिंह द्वारा की गई अभद्रता से पीड़ित सफाई कर्मी अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पीड़िता ने 29 अगस्त को अधिकारियों को सौंपे गए आरोप पत्र में ये कहा है कि 14 अगस्त को रामलीला मेले की झंडी पूजन के दौरान डॉक्टर रामू और उसके साथियों समेत कई लोगों को दौड़ाकर अभद्रता के साथ पीटा गया था। जैसे कि अभी देख रहे थे लाइव तस्वीरों में, हमारे ठीक पीछे इस समय सुनीता वाल्मीकि नगर फतेहगंज पूर्वी की निवासी बैठी हुई हैं धरने पर, और उनका कहना है कि रामलीला अध्यक्ष पद की जो बैठक है वो खुली कराई जाए और खुली बैठक में जो है अध्यक्ष चुना जाए, जिसके द्वारा श्री आदर्श रामलीला मंचन कराया जाता है और मेला कराया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष यहाँ पर ये प्रथा बनी हुई है सैकड़ों वर्षों से, ये कहना उनका है। और नगरवासियों का भी यह कहना है कि हम पिछली बार भी दिखा चुके थे अपनी लाइव खबरों में कि जो है यहाँ पर खुली बैठक के माध्यम से जो है रामलीला जो है समाधान कराया जाए और रामलीला कार्यक्रम शुभारंभ कराया जाए। यहाँ जो है लगातार ये रामलीला अध्यक्ष पद का जो है वो लेकर के विवाद चल रहा है, कोई अध्यक्ष बताता है, कोई अध्यक्ष घोषणा की जाती है, लेकिन जो भी की जाती है जनता का कहना है कि वो अवैध रूप से की जा रही है। खुली बैठक में अध्यक्ष को चुना जाना चाहिए थे जिस जो कि मेला करा सके, और यहाँ पर आज वो इसीलिए धरने पर बैठी हुई हैं श्रीमती सुनीता वाल्मीकि जी, और वहाँ पर जो है कई नागरिक बैठे हुए हैं यहाँ रामलीला स्थल पर जो है, हम भी यहाँ मौजूद हैं। अभी मेरी उनसे वार्ता हुई है तो उन्होंने बताया है उनके साथ जो भी कृत्य किए गए हैं किसी किन्हीं के द्वारा, अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा, तो उसके लिए वो जो है काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं और उक्त मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी कर चुकी हैं। हम यही जानने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे कि उनका क्या मामला है जो आज उन्हें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुई हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता वाल्मीकि। तो आज यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है किस उद्देश्य से दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य इस धरने का, और आप लोग बैठे हुए आज हैं, क्यों बैठे हुए हैं? मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि 14 अगस्त को हमने झंडी पूजन किया था और सारी नगर की जनता मेरे साथ थी, लेकिन कुछ अवैध कब्जाधारियों ने पुलिस बुलाई थी, 3 जीप पुलिस आई थी, इस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज की थी, फेंक फेंक के डंडे मारे थे, कुछ बच्चे भी थे उसमें गिरे भी, कुछ लोगों को चोट भी आई थी, और जो अवैध कब्जाधारी हैं उनके पक्ष में पुलिस बोल रही है और हमको इतनी गंदी गालियाँ दी हैं। बताइए कि ये किसी की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है पूजन करने में। मतलब पिछले साल भी हमने रामलीला कराया था, इस बार भी जनता ने हमको चुना था तो मैंने रामलीला की झंडी पूजन किया था, अब ये अवैध कब्जा वाले मुझे नहीं कराने दे रहे हैं और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई है। मेन उद्देश्य क्या है आज इस धरने का, जानना चाहेंगे, और क्या मांग है आपकी? मेन उद्देश्य ये है कि जिनने हमें टॉर्चर किया है, अवैध कब्जाधारी और जो शासन प्रशासन के जो नौकर मतलब है अधिकारी धर्मेंद्र कश्यप और दिनेश ऐसाई, इन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, इन पर कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने मुझ पर टॉर्चर किया, रामू डॉक्टर हैं और लोग, इन पर कार्रवाई हो, खुली मीटिंग की जाए रामलीला की। जनता भी चाहती है और हम भी ये चाहते हैं, जनता चाहे हमको छोड़ के किसी को चुन ले, हमें कोई इससे एलर्जी नहीं है और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ये मान सम्मान की बात है कि एक पूजन करने पे इस तरीके से पुलिस वालों ने लाठी चलाई, इस तरीके से गाली गलौज दी कि तेरे कपड़े उतार देंगे, तेरे यह कर देंगे, तुम पर झूठा मुकदमा लगा देंगे। किस बात का लगा देंगे झूठा मुकदमा? कौन सा मैं गलत काम कर रही हूँ? मैं धर्म का काम कर रही हूँ, अपना जीवन मैंने धर्म के लिए अर्पण कर दिया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macro lubricant ready to